हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं इस क्लिप के साथ आपसे रूबरू हो रही हूँ बहुत दिनों बाद। आज गणपति जी का दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है। यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ गणपति बप्पा को लेके आई हैं। मैं यहाँ पे देहरी पूजन कर रही हूँ और आई होप आप लोगों ने भी आज गणेश प्रतिमा अपने घर स्थापित की होगी, बप्पा को लाए होंगे और बप्पा सबके विघ्न हरता है, सबके विघ्न हरे। इसी कामना के साथ मैं भी आज इनका पूजन कर रही हूँ। बच्चे दोपहर में स्कूल से आए, उन्होंने नहा धोकर बप्पा का आगमन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ गणपति जी को घर ला रही हैं। अब हम इन्हें यथास्थान पर विराजित करेंगे। ये मेरा छोटा सा गणपति जी का मंडप, जिसमें मैंने पत्तियों से और फूल से ही हल्की डेकोरेशन की है और आई होप आपको ये अच्छा लगे। आप लोग भी बताइएगा कि आपने गणपति जी को कैसे लाए, क्या क्या किया। और यहाँ पे गणपति जी को जनेऊ, पुष्प, मौली और भिन्न भिन्न प्रकार के भोग सब अर्पित करें, दूर्वा जरूर चढ़ाएं और इस तरह कलश स्थापना। और देखिए पापा हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ मैं बच्चे हमारे क्लिप ले रहे थे, इसलिए कुछ क्लिपिंग मिसिंग हो गई हैं। और यहाँ मैंने फल अर्पित किए, फूल अर्पित किए। मेरी छोटी बेटी बैठी हुई है और बड़ी बेटी मेरी वीडियो शूट कर रही है। बच्चे हैं, बच्चे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं। और ये मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ। और इस तरह से हमने गणपति बप्पा की आरती की। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। और यहाँ हमने गणपति जी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि गणपति बप्पा सबके विघ्न हर लें, सबको सुख समृद्धि खुशहाली दें, सबके जीवन में हर्षोल्लास बनाए रखें। मेन त्योहारों का मकसद भी यही होता है कि हम अपने इष्ट देवों को याद करें। वैसे तो पूजा हम डेली करते हैं, बट ये जब कुछ स्पेशल ओकेज़न आते हैं तो हमारा मन अलग ही खुशी से प्रफुल्लित हो उठता है। और यहाँ हम लोगों ने आरती की, बप्पा से प्रार्थना की कि बप्पा हमारे जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली स्वास्थ्य मई जीवन बनाए हमारा, और हमारी यूट्यूब फैमिली जो भी है और जो भी मुझे सुनते या देखते हैं उनके जीवन में भी सुख समृद्धि खुशहाली लाए, सभी के जीवन में। ये कुछ क्लिपिंग है। हमारे गणपति जी की पूजा अर्चना हो गई है, वो स्थापित हो गए हैं। मैंने यहाँ पे 5 दिन का संकल्प लिया, यहाँ 5 दिन गणपति बप्पा हमारे घर रहेंगे। वैसे तो वो भगवान है, हमेशा ही घर पे रहते हैं, बट कुछ संकल्प लेके गणेश चतुर्थी में ही पूजन किया जाता है। यहाँ मैंने पान सिपाड़ी, फल, दूर्वा, मौली, जनेऊ, मोदक, चरणामृत, भांति भांति प्रकार के वस्तुएं भगवान को अर्पण की हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्लिपिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गणपति बप्पा मोरया।